हमने कर लिया है। स्वच्छता मिशन का प्रण अब हमने कर लिया है। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि इस बार 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान है उसको 10 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया, यानी कि सेलिब्रेट किया इस दिन को। और देश भर से जितने भी हमारे स्वच्छता के सिपाही हैं, जितने भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनका भी योगदान है, उन सबको वहां आमंत्रित किया गया। और हमारे लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड से 6 महिलाओं को इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें से एक वेस्ट वॉरियर संस्था के साथ काम करने वाली हमारी स्वच्छता सखी जो आज हमारे साथ है भी, सुधा पवार जी भी गई थी, वो भी शामिल हो गया, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई। तो इससे ये तो शामिल हो गया, इससे ये तो साबित हो गया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी कि कूड़ा उठाने, कूड़ा कलेक्शन के काम से सीधे मोदी जी तक ये पहुंच के आ गई है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अब हम जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप जुड़ी वेस्ट वॉरियर के साथ, क्या कुछ था ये। नमस्ते, मेरा नाम सुधा पवार है, मैं प्रयाण सखी हूँ अस्थल से। मुझे भी इसमें 1 साल काम करते करते हो गया है जी। और वेस्ट वॉरियर का काम आपको कैसे अच्छा लगा या कैसे आप सखी बनी, क्या शुरुआत थी? पहले बात तो वेस्ट वॉरियर संस्था हमारे एक सखी जो उन्होंने मॉडल लेके आई होंगी, एक सखी मॉडल जो हमारे पास लेके आए थे, तो मतलब वेस्ट पे उन्होंने काम किया तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पास कूड़े की बहुत सारी समस्याएं थी जो लोग इधर उधर फेंक रहे थे, तो हमें भी ये चीजें सब अच्छी नहीं लगती कि जो लोग जला भी रहे थे तो उससे हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा, तो ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। हमारे लिए कूड़े का एक बहुत अच्छा सिस्टम हो रहा था तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं अपना परिचय दूं? नहीं, हो गया परिचय। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे अभी घर घर से कूड़ा उठा कलेक्शन का काम करते हैं, कूड़ा उठाने जाते हैं, वो तो शुरुआत में क्या घर में इस चीज का विरोध हुआ था कि आप कूड़ा कलेक्शन का काम करेंगे, यार क्या है, हस्बैंड सास? हाँ जी, तो घर से तो मुझे अच्छा सपोर्ट था, फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन जो समाज था उनका हमें अच्छा सपोर्ट नहीं था। जब हम कलेक्शन डोर टू डोर जब कलेक्शन करने जाते, लोग हमें बहुत उससे देखते थे कि नहीं आप कूड़ा क्यों उठा रहे हो, आप क्यों मतलब इस काम को कर रहे हो। तो हमने बोला कि भाई हम एक इन्वायरमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, कि जो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। कहीं ना कहीं इसमें जाते भेद भी आ जाता है कि लोग कहते होंगे आप पंवार हैं, आप तो उच्च जाति के हैं और आप कूड़ा कलेक्शन का काम कर रहे हैं तो गलत है, अपनी बुआरी से कैसे काम करवा रहे हो, ये बातें भी आई होंगी। हाँ जी, ये बातें भी आई थी। तो मतलब ये जब ये बातें आई तो मतलब मेरी फैमिली को बहुत बुरा लगने लगा था कि भाई आपकी बहू तो ये कार्य कर रही है, तो उनको भी काफी मतलब मेरी फैमिली बहुत सारे इशू भी बहुत खड़े हो गए थे। तो लेकिन हम मैंने काम नहीं छोड़ा, मैं करती गई, तो क्योंकि हमने जो हमें काम है तो हमने करना ही है इन्वायरमेंट के लिए, आने वाले जो हमारी जो पीढ़ी है जो उसके लिए भी हमें अच्छा एक वो अच्छा इन्वायरमेंट देना है। जैसे आजकल की बहुत सारी बीमारियां हमारे आ रही हैं, कैंसर हो गया, जैसे जैसे हमारे जानवर तो वो भी जैसे लोग फेंक देते हैं, खाना फेंक देते हैं, उनको खा तो वो भी काफी मतलब उनकी भी उनके लिए भी नुकसान है, बहुत से जानवर इस चक्कर में मर भी जाते हैं। तो जैसे अभी आप घर घर जाते हो, तो शुरू में जब घर घर जाते थे तब लोगों का नजरिया क्या था और अब जाते हो तब क्या है, कुछ चेंज हुआ है? हाँ जी, अब तो काफी मतलब जब लोगों को मतलब कूड़े फेंकने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे बरसात का मौसम होता है तो लोग बोलते कि हमें अब जल नहीं रहा है, हमें फेंकने कहा जाए, तो ये कि ये बदलाव ये था कि अब लोगों को अच्छा लग रहा है हमें देते, क्योंकि हम अपना जो हमारा एक सेंटर है धनोला में, उस वहाँ हम जाते हैं, वहाँ पे हम सेग्रीगेट करते हैं उनको, कई कैटेगरी में उनको बांटते हैं, तो इसीलिए लोगों को अच्छा भी लगता है कि भाई अब अच्छा हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी हम इधर फेंके उधर फेंके। अच्छा, मतलब जो लोग पहले आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे, घर वालों को भड़काते थे, आज वो आपके सपोर्ट में है कि अच्छा काम कर रही है। हाँ जी हाँ, वो अच्छा सपोर्ट करते हैं। अब तो आप प्रधानमंत्री से भी मिलके आगे, अब क्या है, मोहल्ले में कुछ खुशी, घर में कुछ खुशी? हाँ जी, मतलब अब मैं मतलब अपने को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि भाई हम खुद मोदी जी से मिले, उनके जैसे हम पहले न्यूज में देखते थे, मैंने मतलब रियल में उनको देखा है कि हाँ भाई हमें अपने प्राइम मिनिस्टर को मिलने का मौका मिला। कठिनाइयां तो हमें बहुत सारी हुई, जैसे अभी हम अपने सेंटर से आ रही थी तो वहां पे एक अंकल जी थे तो जो बहुत सारा प्लास्टिक जला रहे थे, तो मुझे भी ऑन बोर्ड तो हमने उनको कर ही रखा था, लेकिन उनको पता नहीं था कि मतलब प्लास्टिक से कितनी सारी हमें बीमारियां हो सकती है उसको जलाने से, तो वो बहुत सारी प्लास्टिक जला रहे थे, तो मैंने उनको ऐसे ही मना कर दिया कि अंकल जी आप क्यों जला रहे हो उसको, ये आपके लिए बहुत नुकसान है। तो उस टाइम तो वो मान गए थे, लेकिन जब अगले दिन जब उनको किसी ने उनको फीडबैक दिया तो वो एकदम से मेरे पे मतलब गुस्सा हो गए, उन्होंने से मेरे से ये सवाल, अगर तुम पर्यावरण को बचाने के लिए ये कागज जो जंगलों में जो आग लगी है उसको क्यों उसका क्यों सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते,
मैंने कहा अंकल जी जंगल में जब आग, तो मैंने नहीं देखा ना कि वो कैसे आग लगी क्या, वो तो मैंने जब आपको देखा तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई अंकल जी नहीं चलाओ, तो उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे टोका क्यों। तो उस टाइम भी बहुत सारी चीजों सुनी थी, उनकी बातें भी हमने सुनी, तो हमने कुछ बुरा नहीं लगा हमें भी। पर आगे भी मतलब ऐसी चीजें होती है कि जो हम देख नहीं पाते, जैसे बहुत से लोग जलाते हैं प्लास्टिक, तो हम उनको भी इस तरह से समझाते हैं कि भाई प्लास्टिक नहीं जलाओ, ये बहुत पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है चीजें। तो मतलब काफी दिक्कतें आती है लोगों को समझाने में, बहस करते हैं वो हाँ आपसे। जी, बहुत से अभी भी बस समझ नहीं पाते कि ये बस ऐसे ही बोलते हैं कि कूड़ा उठाने आ गए, ये कूड़े वाले हैं। तो एक दिन ऐसे हो रहा था कि हमारे पास जो 6 ग्राम जो 6 पंचायत हैं, तो एक रहने वाला भी एक पंचायत है जिसमें मतलब हम कलेक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यही काम रहेगा करने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर हम ये काम नहीं तो कौन करेगा। ये चीजें भी मतलब बहुत, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कि कुछ और काम कर लेते, ये तो कूड़े वाला काम है, ये तो ऐसा है। तो मैंने कहा भाई अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर इसके बाद मतलब लोगों की हमने काफी चीजें सुनी, और मतलब बहुत कुछ हमें भी सुनना पड़ा। अभी भी सुनते ही हैं, ऐसे नहीं कि अभी भी हम नहीं सुनते, लेकिन हम अभी हम आदत सी बन गई है उसको सुनने की, लोगों की बातों को सुनने की। लोग मतलब बहुत ही नीची दृष्टि से देखते हैं, हाँ जी लेकिन लोग इस दृष्टि से देखते हैं। और जब आप मोदी जी के प्रोग्राम में गए तो वो किस दृष्टि से देखते हैं? जब मतलब हमने जब लोगों को पता चला कि हाँ भाई अभी तुम मोदी के प्रोग्राम में गए थे, मतलब लोगों ने काफी कुछ बोला, किस लोगों को अभी पता भी नहीं है, पर जिनको पता चला तो उन्होंने बहुत बहुत वो करा कि बहुत अच्छा है कि तुम मतलब मोदी से मिलने गए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने भी खुद सोचा नहीं था कि भाई मैं भी अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, उनका उनका जो स्पीच था उनको सुनेंगे। ऐसी भी है कोई मिले है जिन्हें पता लगा हो कि आप वहां से आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा यार हम भी करते हैं ये काम अब? हाँ हाँ जी, अभी हुआ था अभी आज, जैसे आज मेरा कलेक्शन था, तो हमने दीदी है जो मेरे पास एक प्राण सखी है, उनका नाम मुक्ता है, तो हम अभी हमारे पास सिर्फ अभी हम 5 प्राण सखी, तो हम और सखियां ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें और वो चाहिए सखियों के। तो हम कल बात कर रहे थे ऐसी, तो दीदी ने बोला कि देखो हमें बहुत से मतलब अच्छे से लोग मिलने हमें खुद आते हैं, तो आप भी इसमें काम करो। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम कूड़ा उठा रहे हैं तो यही सब कुछ हमारे लिए, हमें बहुत से अच्छे हमारे पास लोग खुद मिलने भी आते हैं, जैसे लोग बोल मतलब काफी लोग हमसे अच्छे से मिलने भी आते, मतलब घटनाएं तो हमारे साथ होती रहती है। जैसे एक हमारी एक सखी थी, तो उनको भी एक किसी डॉगी ने काटा था, क्योंकि वो घर पे नहीं थे। डॉगी ने काट दिया था? हाँ अच्छा। उस चक्कर में, क्योंकि वो जब तक वो वेश लेने के लिए, पहले तो उन्होंने वेश देने के लिए बहुत आनाकानी करी, तो अचानक से गेट खुला और डॉगी आ गया, तो डॉगी को उसमें हमारी सखी को काट दिया। तो उससे भी मतलब बहुत दिक्कतें आई हमें लोगों, तो लोगों ने ये भी बोला कि अरे तुम लेने जाते हो यहाँ पे, मतलब कुत्तों का बहुत इशू है। जिस घर में भी हो गया था कि जैसे एक सके तुम्हें भी काट लें कुत्ते, क्योंकि बहुत हमारे जो मोहल्ला है वहाँ पे बहुत सारे डॉगीज बहुत सारे हैं। अच्छा, मतलब ये भी रिस्क रहता है। और कई लोग क्या कुत्ते खुद भी छोड़ देते हैं जब देखते हैं आप लोग आ रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं? हाँ जी, क्योंकि कुत्ते ऐसे पाले रहते हैं कि जो आदमी को एकदम से बहुत सारे काट देते हैं, मतलब डर भी लगता है जाने में कि भाई कैसे जाए, डॉगी है काई काट ना दे। जैसे एक बार घटना हो गई थी, मतलब बहुत सारे मतलब समस्या हमारे साथ खड़ी हो जाती है। और घरों से क्या क्या दिक्कतें आती है? किसी का हस्बैंड सास ससुर मना करते हो, कोई लोग तो यह करते हैं कि अपना गेट लगा देता, तो बोलते हैं हमारे यहाँ कूड़ा नहीं जाओ। कूड़ा नहीं जाओ। कभी ऐसे भी जाता है कि ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कूड़ा होगा भी, तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं है हमारे यहाँ कूड़ा। हमारे पास जैसे हम फीस लेने जाते हैं यूजर, तो उस समय भी हमारी बहुत समस्या आती है, लोग कूड़ा भी लेके जाते हैं पैसे भी लेके जाते हैं, अच्छा, ऐसे भी बोलते हैं लोग बहुत से जो जिन्होंने समझ ही नहीं है इस चीज की। तो मतलब कूड़ा भी ले जा रहे पैसे भी ले जा रहे, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। कूड़ा ले जाएंगे तो पैसे तो लेंगे, फ्री में कौन काम करेगा? आप लोगों की सैलरी और बहुत फिर सारी लोग बोलते हैं चीजें। देखो जैसे हम कूड़ा लेने जाते हैं, लोग बोलते हैं आगे कूड़े वाले कूड़े लेने कूड़ा लेने, हम बोलते हैं कूड़े वाले हम नहीं, आप हो जो हम आपका कूड़ा लेके जाते हैं। जिन्होंने कूड़ा भरा हुआ है, कूड़े वाले हाँ आप हो, मगर हम तो आप सफाई वाले हैं जो हम लेके जा हम रहे तो हैं। सफाई वाले हैं। मैं कहा कूड़े वाले तो भी, मैंने प्यार से ही बोला उनको, ऐसे चिड़के नहीं, मैं हंस हंस के बोला कूड़े वाले तो आप हो जो आप हमें दे रहे हो, हम तो सफाई वाले हैं, हम तो एक पर्यावरण को पे काम कर रहे हैं। तो वो भी मतलब अच्छा लगा होगा कि ऐसे बोला कि हमें मतलब कि कूड़े वाले, तो उन्होंने मानी अपनी बात मानी कि हाँ सच में हम कूड़े वाले हैं, कि भाई कूड़ा तो हम दे रहे हैं इस चक्कर से। लेकिन वहां पे भी आप काफी अच्छा बदलाव हो चुका है जब से मतलब हमारा, जब से ये सेंटर हमारा यहाँ पे है धनोला में, तो काफी मतलब लोगों का ये था कि अच्छा, आप लोगों मतलब का शेड्यूल रूटीन क्या रहता है? मतलब कब कब कैसे कैसे कितने बजे उठ के जाना, क्या कैसे कैसे कूड़ा उठाना? हमारा वीकली कलेक्शन होता है बुधवार को, जिसमें कि हम सुबह मतलब 10:30 बजे से हम अपना कलेक्शन शुरू करते हैं। कलेक्शन करने के बाद फिर हम उसको सेंटर तक लेके जाते हैं, फिर उसको हम वहाँ पे केजी के हिसाब से तोलते हैं कितना केजी, क्योंकि हमारा और केजी अगर उसमें किसी ने गलती से गीला कूड़ा डाल दिया तो सेग्रीगेट करते हैं हाँ गीला वाला जी सूखा वाला? हाँ जी वहाँ पे लेके जाने के बाद हम उसको 12-13 भागों में बांटते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अच्छा कई हाँ सारी कैटेगरी बन जाती है, सूखा अलग गीला अलग। हाँ
तो उसका हमारा कई सारे वो बन जाते हैं वहां पे। तो कूड़ा जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्ट करके ले जाते हैं, वो गाड़ी भी आपकी परवरिश सखी चलाती हाँ है? जी हाँ, वो भी रीमा जी चलाती है उसको। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग वहां लेके गए, गीला सूखा अलग किया आपने, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में, भागों में, 13 भागों में बताया आपने हाँ बांट जी के। हाँ जी उसके बाद फिर जो बॉटल्स और वो होती है उसका क्या करते हो, बाकी का क्या करते हो, रिसाइकल होता है हाँ क्या जी। होता उसके है? बाद जो प्लास्टिक हो गया, जैसे टेट्रा पैक हो गया हमारा, तो टेट्रा पैक तो मतलब जैसे पॉलिथीन हो गई और मतलब वो मिल बोर्ड हो गया, उसका हमारा एक वो बन जाता जैसे है। आपने रीमा का नाम लिया, रीमा गाड़ी चलाती है, आपको रीमा की कॉल आ गई। देखो रीमा जी की उम्र कितनी लंबी है। हाँ तो हम उसको करते हैं, हमारे हमारे पास एक बेलर मशीन है जो मतलब हम उसको बेलिंग करते हैं, और कांच को अच्छा हम अलग रखते हैं, हाँ टूटा फूटा हार्ड प्लास्टिक उसको हम अलग रखते हैं, जो हमारा जो बेलिंग वाला है वो है पॉलिथीन है, टेट्रा पैक है, मिल बोर्ड, उसकी हम वो बनाते हैं बेलिंग, तो हम उसको मतलब बेलिंग बना के रख देते हैं, तो उसका उसके बाद वो हर्रा वाला जाती है उसके अच्छा, लिए। यहाँ से सारा कूड़ा जो है फिर वो हाँ जी हर्रा वाला जाता है, हाँ जी। फिर वहां से वो अलग अलग प्लांट्स में जाता है रिसाइकल होने के लिए, या वहीं होता है नहीं वो अलग अलग रिसाइकलिंग होने के लिए जाता है। फिर उसके चीजें बनती होगी वेस्ट हाँ जी मटेरियल उस से? उसमें हमारा जो हमारे कभी आना हमारे में तो हमारे उसमें वो बना रखे हैं, मतलब जो हमारे टेबल्स होते हैं सारे टेबल, टेट्रा पैक से ही बनी हुई है। टेबल चेयर हाँ वगैरह जी उसी से बनी हुई है, हाँ वो जी बनती है। अब तो नगर निगम भी जो है वो भी पर्यावरण सखी हाँ जी लेके आए हैं, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखा उन्होंने, अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर्यावरण सखियां लगा देते हैं, सस्ता सखियां, सस्ता सखी। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तो हम सिर्फ 5 ही सखियां हैं जो हम तभी ढूंढ रहे हैं और सखियों को भी। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मोदी जी को क्या कहेंगे, आपको बुलाया था वहां उन्होंने? मोदी जी को तो यही कहेंगे कि वो भी स्वच्छता पे बहुत एक वो आवाज उठाते हैं, और वो भी हमें लगता है जो हम सोचते हैं कि जब हमारे मोदी जी झाड़ू लगा सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं उस चीज को, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई कि हम भी वो चीज करें, हम अपने गांव में स्वच्छ बनाए, जैसे मोदी जी बोलते मतलब देश का हर कोना कोना स्वच्छ होना चाहिए, तो हम हमारी ये उम्मीद है कि जो हमारे गांव के जितने भी हमारे गांव हैं वो सारे स्वच्छ रहें, और जो लोग नहीं जुड़े उनसे मेरी ये अपील है कि सिर्फ हमारे पास 24% ही लोग जुड़े हुए हैं जो हमें कूड़ा दे, जो नहीं दे रहे उनसे हमें ये अपील है कि वो हमें अपना कूड़ा दे, इधर उधर ना फेंके और जलाए बिना। बहुत बढ़िया। आप उत्तराखंड की नौनी, हमारा प्लेटफॉर्म है, आप खुद यहाँ की नौनी है, बुआरी है उत्तराखंड की, तो जो महिलाएं अभी इस काम को गलत नजर से देख रही हैं, सही नहीं समझती हैं, या फिर छोटा काम लगता है उन्हें, उनके लिए भी एक संदेश आप दे दीजिए। महिलाएं तो वैसे देखो बहुत उससे महिलाएं वो एक मात्र शक्ति भी है महिला, देखो जो अगर कोई महिला का तो महिला समझ जाती है कि ये महिला काम करेगी, महिलाओं से तो हमारा कोई वो नहीं रहता, जैसे बहुत से लोग आदमी लोग ज्यादा बोलते हैं कि भाई महिला ये काम क्यों कर रही है, महिला तो समझ ही जाती है, लेकिन कुछ बहुत से पुरुष ऐसे जो नहीं समझते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हर महिला है वो अपने पुरुष को यही समझाए कि देखो काम छोटा नहीं होता बड़ा नहीं होता, एक काम जो अगर हम स्वच्छता पे देखो तो हम उसको आगे बढ़ाए, आगे जो हमारी जो पीढ़ी उसके लिए बहुत अच्छा हो, जो हम जो बीमारी आज हम झेले हमारी आने वाली पीढ़ी ना झेले। इतना संघर्ष महिलाएं कर रही हैं हमारे देश को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, तो आप लोग भी इसमें योगदान दीजिए। और अपने पहले तो जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं, कृपया हमारे उत्तराखंड में गंदगी ना फैलाएं, और फिर पूरे देश में गंदगी ना फैलाएं, सब जगह जो है साफ सुथरा रखें, और ऐसे लोगों को जो हमारे स्वच्छता के प्रहरी हैं, स्वच्छता के सिपाही हैं, कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को सहयोग करें। तो इनकी ओर से उत्तराखंड की नौनी की अपील है कि प्लीज हमारे प्रदेश को, हमारे देश को साफ सुथरा रखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन्हें सपोर्ट मिले और इनका मैसेज आगे तक जाए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के थैंक लिए। यू।